हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग जिसका आपको बहुत इंतजार था वो दिन आ गया अपना दशहरा। और ये मेरे पीछे देखो रावण कितना खतरनाक खड़ा हुआ अभी जिस वक्त जहाँ मैं खड़ा हुआ है वेलकम इलाके में मैं खड़ा हुआ हूँ। देखो किस तरह का रावण खड़ा हुआ, पहले यहाँ पर तीन रावण लगते थे, अब क्यों यहाँ पे एक ही रावण लगा। देख सकते हो किस तरीके का लगाया रावण, छाती वाती देख लो भाई साहब, प्रॉपर तरीके से बनवाया गया रावण है। उधर पे ये हमारे इलाके के बंदे हैं, उन्होंने बनाया है रावण। और देख लो भाई साहब हाथों में नखून देख लो किस तरीके से बना रखा है। ये देखो बीच में भी रावण के वो बना रखा है पूरा भूत का मुँह, और इधर छाती वाली देख लो किस तरीके की बनी हुई है। ये देखो भाई रावण पे काम चल रहा है, और ये भैया है हमारे, इन्होंने बनाया है रावण पूरा। नाम क्या भैया आपका? राजेंद्र कुमार भैया हमारे, इन्होंने रावण बनाया है। वेलकम के अंदर ये रावण लगा हुआ है, ये हेल्पर है। दूसरे भैया वहाँ पे चाय पी रहे हैं, उन्होंने बनाया मुँह, देख लो किस तरीके का बना हुआ है मुँह, खतरनाक एकदम राक्षस वाला मुंह बना रखा है, बहुत ही मेहनत से बनाया है। देखो देख लो बम, देख लो किस तरीके से बम लगे हुए इसके अंदर। अभी इसमें और बम लगेंगे, अभी तो बहुत कम लगे हुए हैं, बहुत सारे बम लगेंगे इसके अंदर। ये देखो भाई किस तरीके से बम लगे हुए, देखो रावण बम नाजी वाजी सब लगे हुए अपने ओके करके। अभी रावण थोड़ी देर में खड़ा होने वाला है। किस तरीके का ताज है पता नहीं क्या है, ये बेल्ट लग रही है मुझे। और इधर तो इस तरीके रहने वाले, इसके देख सकते हो सारा सामान इसका यहाँ रखा हुआ है, ये सब कुछ खुद ही बनाया गया सामान है सारा, देख सकते हो आप। ये देखो जूते देख लो किस तरीके से बनाए गए हैं, इसकी धोती देख सकते हैं आप। तो अब चलते हैं आगे, इसी तरह के बहुत सारे रावण पे लगे हुए हैं पूरे इलाके में। अब आगे चलते हैं झील पार्क की तरफ, वहाँ पर भी बहुत अच्छा माहौल बना है, बच्चे बता रहे हैं, तो सीधा वहीं चलते हैं। यहाँ का रावण आपने देख लिया, अच्छा लगा होगा आपको। एक रावण हमें और दिख चुका है, देख सकते हैं आप यहीं पार्क के पास ही, रावण नंबर 2 है। अभी बम वगैरह नहीं लगे हैं इसके अंदर। ये देखो धोती इसकी इस तरह की रहने वाली है, ये ताज रखा है इसका। ये देखो इसके पैर हैं, ये इसकी धोती है, अच्छा वो उसकी छाती थी, ये धोती है। ये देखो भाई, ये अपना रावण नंबर 3। ये देखो भाई इस तरह का रावण हो रहा है, देखो कितना खतरनाक लग रहा है। कब तक खड़ा हो जाएगा भाई ये? भाई हो जाएगा भी, 1-2 घंटे लगेंगे बम आते हो जाएगा। ये देखो भाई इस तरह का रावण रहने वाला है, ये अपना रावण नंबर 3। ये देखो भाई ये अपना रावण नंबर 3 कुछ इस तरीके से। अभी बम नहीं लगे हैं, बम लेने गए हुए हैं जिसका ताज है। अब चलते हैं अपना आगे और रावण दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई अब आ गए हम उस जगह पे जहाँ पर रावण ही रावण लगते हैं, झील पार्क। ये है अपना झील पार्क, ये देखो भाई कितने सारे रावण लगते हैं यहाँ पे। यहाँ के रावण में बम भी लग चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये देखो भाई रावणों में लग चुके हैं बम कुछ इस तरीके से, देखो लड़ियाँ वगैरह लगाई गई हैं। और ये देखो अपने नाज ही देख सकते हो आप, ये देखो कितने सौरव लड़ियाँ लगाई गई हैं, कितने सौरव बम लगाए गए हैं। देख लो भाई किस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पे। ओ भाई इसमें भी बम लग चुके हैं। हेलो गाइस, ये हमारे भाई हैं सारे छोटे, देख सकते हो आप ये लग चुके हैं बम पूरे ओके करके, पूरा रावण भरा पड़ा बमों से, देख सकते हो लड़िया और गोले बम लगा रखे हैं। ये देखो भाई मुँह को और छाती को जोड़ दिया गया है यहाँ पर, अपने छाती में ही बम लग चुके हैं, पूरे रावण बम लग चुके हैं, देख सकते हो आप पूरे पीछे तक बम लगे हुए हैं इस तरीके से, देख सकते हो आप। ये देखो भाई अपना रावण, ये 3 रावण होंगे अपने, 1-2 कितने हैं, 2 हैं 3 है। ये देखो भाई ये मुँह है, मुँह बांध रहे हैं, कब तक खड़ा हो जाएगा ये? तो होने ही वाला है खड़ा है। ये देखो मुँह के अंदर भी बम लगे पड़े हैं। ये देखो भाई अपना दूसरा रावण नंबर 4 और 5 कुछ इस तरीके के होने वाले हैं, देख सकते हैं आप। सबसे पहला वाला रावण ज्यादा यूनिक वही रावण था, बाकी ये भी कोई कम नहीं है, देख सकते हो आप फुल बम भर रखे हैं रावणों के अंदर। ये देखो रावण का कुछ ओवरव्यू इस तरीके का रहने वाला है, अभी खड़ा हो रहा है ये। ये देखो भाई नाजी भरे जा रहे हैं भाई, नाजी ये देख लो भाई नाजी, ये देखो भाई अपना नाजी बम भर रहा है छोटा भाई रावण के अंदर, कुछ इस तरीके से लड़ियाँ लगाई जा रही है। ये देखो भाई ताज लग रहा है रावण का इस तरीके से। तो अब तक हम आपको 5 रावण दिखा चुके हैं, ये का माहौल रहने वाला है सब जगह का, बहुत ही मजा आएगा आपको, पूरी वीडियो देखना, मजा ना आए तो कहना भाई मजा नहीं आया भाई साहब। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो 5 ही हुए हैं, कम से कम हमारा टारगेट है आपको 100 रावण दिखाने का, बाकी देखते हैं कितने रावण दिखा पाएंगे, कितने नहीं दिखा पाएंगे। अब चलते हैं अपना आगे, कहाँ कहाँ पे लग रहे, कहाँ कहाँ पे नहीं लग रहे, पूरी वीडियो बने रहना, बहुत मजा आएगा। अब जा रहे हैं और आगे आपको और रावण दिखाने, क्वांटिटी में गिन नहीं पा रहा हूँ, अभी से भूले जा रहा हूँ मैं भाई, कम से कम 7-8 तो हो गए होंगे अभी तक ही, बाकी देखते हैं भाई कितने दिखा पाते हैं। तो भाई रावण के लिए खोदा जा रहा है गड्ढा, और ये है हमारा रावण इस तरीके का, देख सकते हैं आप। ये देखो भाई खुद ही बनाया, खरीद के लाए हो? बनाया है मेहनत से बनाया है, देख सकते हो आप, मुस्कान रेस्टोरेंट के पास ही रावण लगा हुआ है, और कुछ इस तरीके का इसका हॉल बना हुआ है। बम नहीं लगाए अभी, बम नहीं लगे अभी इसमें, अभी लगेंगे बम इसके अंदर। ये देखो ये इसके पैर हैं,
देख सकते हो आप, उन फूल फूल वाले पैर हो रखे हैं रावण के, देख सकते हो। और ये दूसरा पैर, और ये फूसा है, और ये देखो ये है रावण की तलवार, ये फूसा जो रावण के अंदर भरा जाएगा ताकि जल्दी चले। देख सकते हो आप क्या मस्त रावण लग रहा है, खुद बनाया हुआ रावण है। अब चलते हैं आगे और रावण दिखाते हैं आपको। तो अब आ गए हैं लाल किला, देख सकते हो आप लाल किले के पास पहुंच चुके हैं पूरे चांदनी चौक। यहाँ का माहौल देखते हैं किस तरह का बना हुआ है। यहाँ पर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे रावण का ध्यान करने। आज पूरा एरिया खाली पड़ा है क्योंकि छुट्टी का दिन है। यहाँ पे रावण अपने लग चुके हैं, अगर आप लोगों को दिख रहे हो ये अपना लाल किला, रेड फोर्ट अपना दिल्ली का। और यहाँ पर अपने तीनों रावण खड़े हो चुके हैं बहुत बढ़िया करके। अब चलते हैं अंदर, तो एंट्री नहीं खुल पाई हमारे लिए, हमने बहुत कोशिश करी खुलवाने की पर नहीं खुल पाई। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या माहौल बना हुआ है। आगे बहुत सारे रावण लगे हुए हैं भाई साहब, माहौल ओके बना हुआ है। तो अब हम आ गए रामलीला मैदान जो कि स्वीट सेंटर के सामने है। वहाँ का माहौल देखो, जो कि माहौल देखो कुछ इस तरह का बना हुआ है। वहाँ पर तीन रावण लगे हुए हैं, हल्के हल्के दिख रहे हैं, अभी दिख नहीं पा रहे, तो तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए वही जा रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है, यहाँ पे तीन तीन रावण लगे हुए हैं और बीच वाला देखो भाई साहब किस तरीके का है। तो ये देखो भाई किस तरह से भाई साहब मेहनत वाले रावण लगाए गए एकदम बढ़िया करके। देखो क्या रियलिस्टिक वाले फेस वाले चल रहे हैं आपके बार, ये उस तरह के तीन रावण लगाए गए यहाँ पे। मेरे लोकेशन की बात करूँ तो सामने अपना स्वीक सेंटर, और स्वीक सेंटर के जस्ट सामने ये तीनों रावण लगे हुए हैं। देख सकते हो आप किस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पे, और इस रावण के अंदर बम वगैरह सब कुछ लग चुके होंगे। अरे बम ही नहीं इसके अंदर, तो भाई पटाखे ही लगाए लगेंगे ही नहीं, तरह का माहौल बना हुआ है। तो ये है अपना दशानंद रावण, देख सकते हो आप। ये है कुंभकर्ण, ये है मेघनाथ, और ये है अपना रावण दशानंद। इन रावण के अंदर जो है पटाखे वगैरह नहीं लगाए हुए। तो अब आ गए तुम्हारे भाई बलजीत नगर में, और ये देखो किस तरह का यहाँ पर रावण लगा हुआ है, एकदम बढ़िया लग रहा है। देख सकते हो आप, अंकित भाई कोशिश कर रहे हैं रावण की आवाज़ निकालने पर निकल नहीं पा रही। देख सकते हो आप इस तरीके का रावण लगा हुआ है यहाँ पे, मुझे लग रहा है अभी एक आधा वो भाई बम, एक मिनट रोको ना भाई साहब। ये देखो रावण ने किस तरीके से बम बम लगा रखे, ऊपर का नजारा मैं अगर आपको दिखाऊँ, कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ आप दिख पा रहा हो। तो ये देखो भाई साहब किस तरीके से बम बम लगे पड़े इसके अंदर बहुत सारे, देख रहे हो आप ऐसा लगा बहुत सारी चैटिया चैटिया, पर चैटिया नहीं है ये बम है, अपने नाज जी लगा रखे हैं। देखो भाई ने कितने सारे, अभी इसके पीछे का हिस्सा वो रखा हुआ है, वो जुड़ेगा उसके बाद ही तैयार होगा। भाइयो बलजीत नगर का एक और रावण, ये देखो आधा खड़ा हो गया है आधा रह रहा है। वो भाई बम तो इसमें बाहर तक लटके पड़े हैं, इतने सारे बम लगा रखे हैं, इस तरीके से बम लगे हुए इसके अंदर। अरे बेटा देखो भाई ये देखो 10 सिर वाला रावण लगा हुआ है यहाँ पर बलजीत नगर, हर चौक पे रावण लगा हुआ है, हर चौक पे। देखो भाई सौ बम किस तरह भर रखे हैं इसके अंदर, धूप की डायरेक्शन इस तरीके से आ रही है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये देखो कहीं बम बम भरे पड़े इसके अंदर, पूरा अंदर तक बम बम से भरा पड़ा है। तो ये रावण है अपना राष्ट्र पटेल नगर का, और ये देखो भाई साहब कैसे पूरे पैर वैर लगा के बस खड़े होने के लिए तैयार खड़ा है ये। देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो आप क्या लग रहा है रावण, अभी ताज नहीं लगा इसका। और ये देखो किस तरीके से इसने नाजी भर रखे हैं, देख रहे हो भाई साहब बम बम भरे हुए पूरे आगे तक। ये देखो कितने सारे बम लगे हुए अंदर, यहाँ पर सारे रावणों के अंदर बम पटाके सब भर चुके हैं बढ़िया करके। अब देखो ये है वेस्ट पटेल नगर का रावण चौक, भाई साहब रावण ही रावण लगे हुए हैं। ये देखो भाई ये देखो एक रावण ये रहा बीच चौक पे खड़ा है, इसके अंदर भी पटाखे ही पटाखे भर रखे हैं भाइयों ने। ये देखो कुछ इस तरीके का रावण है, तो भाई एक रावण ये रहा वेस्ट पटेल नगर, एक रावण और है ये वेस्ट पटेल नगर का। ये देखो इसके अंदर भी पटाखे वगैरह सब लगाई दिए होंगे, सब लग गए भाई बढ़िया करके, सारे पटाखे भर रखे हैं इसके अंदर भी, सारे रावणों के अंदर भाई साहब मजा आ जाएगा यहाँ पर शाम को देखने में। तो सारे पटाखे लगा रखे सब लोगों ने, और तीन एक रावण लेटा हुआ है और एक खड़ा हुआ है, देख सकते हो आप इसके पास जा रहे हैं हम। ये देखो भाई वेस्ट पटेल नगर के रावण किस तरीके से हैं, ये देखो भाई अब रावणों हम गिनती भूल चुके हैं, आप लोग गिनती करते रहो रावणों की। अब ये देखो दो किस तरीके से बम लगा रखे हैं कितने सारे, ये देखो अंदर से फ्लैश जलानी पड़ेगी, ये देखो कितने सारे बम भर रखे हैं। ये रावण की छाती है और ये स्क्रैच और पड़ा हुआ है टूटा हुआ। ये देखो
लड़िया बढ़िया सब भर रखी है। देखो कितने सारे बम है, देख सकते हो आप। ओ भाई साहब कितने सारे बम। ये रावण का सर है, इसमें भी देखो कितने सारे पटाखे लगा रखे हैं। भाई बहुत ही अच्छी मेहनत कर रखी है, वैश पटेल लगा रखे बंदों ने, बहुत ही सारे रावण खड़े कर रखे हैं भाई हर चौक पे। भाई मजा आ गया भाई एकदम। ये देखो ये एक और रावण है, वो लेटा हुआ, इसको भी खड़ा करेंगे। ये उसकी धोती है, और ये एक रावण खड़ा हो गया, और यहाँ बच्चों ने आतिशबाजी करनी शुरू भी कर दी है, आपने आवाज सुनी होगी। और ये देखो एक रावण, और रावणों की बात करूँ तो बहुत ही सारे फूसा भरा हुआ है, बम नहीं दिख पा रहे यहाँ से, बाकी इसमें बहुत सारे राम बम भरे हुए होंगे। तो ये रावण जो लगे हुए यहाँ पे आपने देखे, तीन रावण लगे हुए, उतने सारे पटाखे भर रखे हैं। ये वैश पटेल नगर शिवलोक के रावण, और भाई कह रहे हैं कि ये रावण लगते हुए 11 साल हो गए यहाँ पे रावण को रखते हुए, और इसी तरह से यहाँ पे रावण लगते हैं, बहुत सारे बम लगते हैं इनके अंदर। भाई साहब रात को भी एक अलग ही माहौल बनने वाला है, भाई ने इनको इन्वाइट कर दिया है कि भाई रात को भी आना आप, रात को यहाँ पे माहौल कुछ और होगा, तो रात को भी तुम्हारे भाई आएंगे। एक रावण हमें और दिख चुका है, देख सकते हो इसके अंदर रखे हुए भाई साहब फॉइल वाले पटाखे, सारे पटाखे भाई साहब फॉइल वाले लगे हुए। आपको पता है इनकी आवाज कितनी अच्छी होती है। ये देखो भाई कैसे भर रखे हैं कितने सारे, ये देखो क्या माहौल बना हुआ अंदर का। भाई दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखो, ये है इस रावण का फेस, ये देखो भाई, ये है उस रावण का, इसका फेस दिखाया है आपको, उसका घाघरा, और ये भाई है, इन्होंने बनाया है रावण। है बम नहीं है इसमें, लगाए नहीं भाई इसमें, अभी ऊपर नहीं लगे बम इसमें, देखो अभी लगाएंगे इसमें, क्योंकि बच्चे निकाल लेंगे ना, इस मारे लगाए नहीं है। एक रावण अपना और दिख चुका है भाई साहब, वैश पटेल नगर में हर चौक पे रावण ही रावण लगे हुए हैं भाई, बहुत ही मजा आ रहा है। ये देखो एक रावण ये यहाँ खड़ा हुआ है। अब चलते हैं आगे, आपको और रावण दिखाने आपके भाई, आपको इतने सारे रावण दिखाने वाले हैं कि आप भी कहोगे कि भाई मजा आ गया। ये देखो एक रावण अपना ये रहा, इसे खड़े करने की तैयारी चल रही है पूरी ओके वाली। ये देखो एक और रावण, ये देखो किस तरीके से बम भरे गए हैं इसके अंदर भाई साहब, इतने सारे बम, इतने सारे बम भाई, रावण का अंदर का हिस्सा ही नहीं दिख रहा, बम बम दिख रहे हैं भाई। बम होंगे कितने बम होंगे इसके अंदर भाई, है भैया अगर गिने जाए कितने बम होंगे, मैं तो 1000 से पार ही लग रहे हैं भाई बम अभी तो दबल। ये अपने कुछ भाई मिल चुके हैं हमें, ठीक है अब देखो इसे, ये देखो भाई इतने सारे बम, ये देखो अंदर का एरिया ही नहीं दिख रहा, सिर्फ बम ही बम दिख रहे हैं। ये देखो भाई कितने सारे बम रखे हुए इसके अंदर भाई साहब, सबसे ज्यादा बम मैंने इस रावण के अंदर देखते हैं अब तक के, सबसे ज्यादा बम इस रावण के अंदर लगे हुए हैं। लोकेशन क्या है रावण, कहाँ पे लगा हुआ है रावण, ये एल ब्लॉक का लोक का रावण, अब तक के सबसे ज्यादा बम इस रावण के अंदर लगे हुए हैं, और किसी रावण के अंदर मैंने इतने बम नहीं देखे। ये देखो भाई साहब दो बम नाक पे भी, ये देखो भाई किस तरह से माहौल बना हुआ है यहाँ पे, वैश पटेल नगर का माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि मैं कह रहा हूँ भाई हर चौक पे इतना मजा आ रहा है भाई। पहली बार आए हैं और भले सारे हमारे भाई हमें बोल रहे हैं कि भाई आप हर बार आना हमारे रावण की वीडियो बनाने, और एक नंबर माहौल बना हुआ है, देख सकते हो आप मेरे पीछे एक रावण है, ये देखो लग रखा था कि बच्चे बम ना निकाल लें। इस रावण का माहौल कुछ इस प्रकार का, देखो भाई साहब खाते पीते घर का रावण है ये, फुल एकदम तगड़ा। एक और रावण हमें दिख चुका है, ये थोड़ा सा उस टाइप का है, रियलिस्टिक रावण होते हैं ना, थोड़ा सा उस टाइप का रावण है ये वाला भी। और ये देखो भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है ये रावण, कलर भी इसमें इतने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, लाइट ब्लू और सिल्वर। ये देखो भाई देखो, इस तरह से बांध के इन पटाखों को लगाया जाता है तार से, ताकि ये गिरे ना। ये देखो भाई सीढ़ियों पर चल रहे हैं, पूरी लाइन की लाइन लग जाएगी, देखो भाई ले खड़े हमारे। एक और रावण दिख चुका है हमें, इस तरीके से रहने वाला है, फुल पटाखे पटाखे भर रखे हैं, देखो लड़िया वगैरह ज्यादा लगा रखी इसके अंदर, बाकी और पटाखे लग रहे हैं इसके अंदर। देखो भाई एक और रावण दिख चुका है, बच्चों ने कितनी मेहनत कर रखी है रावण के ऊपर, दो रावण तीन तीन रावण है यहाँ पर भी भंडारा हो रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पे रावण बने हुए, देखो कितना अच्छा काम कर रखा है रावण के ऊपर, पटाखे पटाखे भर रखे हैं इसके अंदर भी बहुत सारे। और ये देखो भाई एक रावण और है यहाँ पर, एक रावण और यहाँ पर भी खड़ा हुआ है, इसके अभी पैर नहीं लगे हैं। अब चलते हैं आगे,
ये देखो भाई कितना खूंखार रावण है, और मैं कह रहा हूँ ये पटेल नगर का सबसे बड़ा रावण है। इससे बड़ा रावण मैंने नहीं देखा यहाँ पर इस एरिया में, फुल खाते पीते घर का। ये देखो कितना ऊंचा है, कम से कम 80 फुट से 100 फुट का रावण है, ये देख सकते हो आप। इतना बम भी देखो, मैं दिखाऊँ आपको कौन से लगे हुए हैं, तो अगर आप देख पा रहे हो तो सारे नाजी लगे हुए हैं भाई, सारे नाजी ही नाजी, ओरिजिनल नाजी सारे। देखो भाई एक रावण में और दिख चुका है, ये देखो इसके ताज और हाथ पैर रखे हुए, और ये रहा रावण, इसकी मुंडी देख लो भाई, हमारे काम कर रहे हैं सारा, इसकी तैयारी कर रहे हैं पूरी। ये देखो भाई साहब, ये देखिए गाइस यहाँ पर रावण बिक रहे हैं झंडे वालान के पास। देखो भाई के पास बम भी रखे हुए, और भाई रावण खरीदने आए हैं देखो अपने बच्चों के लिए, और ये देखिए झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के पास ही रावण बिक रहे हैं। बाकी ये रखे हुए देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए रावण जो होते हैं, बच्चे बड़े शौक से इनको जलाते हैं, ये उस तरह के रावण हैं बच्चों को खुश करने वाले, देख सकते हैं आप। कुछ बड़े बड़े रावण भी है, छोटे बड़े 10 फुट तक के। ये देखो अपने गाड़ी बांध के ले जा रहे हैं रावण को, खरीद लिया ये रावण। ये देखो थोड़ा बड़ा रावण भी है यहाँ पर इस तरह का। तो अब आ गए तुम्हारे भाई पचकुनिया रोड डबल स्टोरी के पास। ये देखो हमारे भाई ने इतने बढ़िया एक रावण तैयार कर रखा है, और हर बार भाई अपनी मेहनत से बहुत ही बड़ा रावण तैयार करते हैं। मैं हर साल देखने आता हूँ उनका रावण, और ये देखो रावण कुछ इस तरीके से रखा हुआ भाई का। ये रावण का फेस है, और ये छाती है वो धोती है, ठीक है। तो देखो ये पैर है भाई ने, पूरे पैर वैर सब ओके करके बना रखे, एकदम तरीके से रावण बना रखा है। ये देखो जूती वूती सब बना रखी है, ये सारे हमारे भाई हैं, इन्होंने रावण बनाया। ये सारे हमारे भाई हैं, इन्होंने रावण बनाया। ये देखो भाई कुछ बम ऐसे लगे हुए भाई के पास लगाने के लिए। देखो सारे ये तो अभी बहुत हैं, ये तो बहुत थोड़े से हैं, अभी इससे ज्यादा बम लगेंगे रावण के अंदर। ये देखो अपना नाजी भी रखा हुआ है, ये देखो नाजी सब रखे हैं भाई के पास। ये देखो धोती है, और ये इस तरह के देखो ये भी लगेंगे, इसे बोलते हैं वो तोता बम, लक्ष्मी बम, तोता बम। देखो वो भी लगेंगे सब, बड़े धमाकेदार बात होती है इनकी। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अपने भाइयों को यही सपोर्ट करते रहो। तुम्हारे भाई अभी रावण जलते हुए वीडियो भी लेके आएंगे, अभी खड़े हो रहे हैं रावण, वो दिखाया आपके भाई ने। अभी शाम की जो वीडियो डलेगी ना वो रावण जलते हुए डलेगी, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।